करता हूं कि उनके प्रति स्वच्छांजलि का जो कार्यक्रम है, इस स्वच्छांजलि का कार्यक्रम आज पूरा नेमिस तीर्थ कैसे चमक रहा है, गंदगी कहीं नजर नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, हमें अपने तीर्थों को पर्व और त्योहारों के समय में, सामान्य दिनों में भी इसी प्रकार से स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना होगा। अपने आप ही एक नई आध्यात्मिक आभा को जन्म देगा और उसी आध्यात्मिक आभा को जन्म देने की दिशा से आज हम सबका यहां पर आगमन हुआ है। मुझे प्रसन्नता है, एक तरफ पूज्य बापू का स्वच्छता का अभियान, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण घर घर में पहुंचा करके लोगों को स्वच्छता के माध्यम से सुरक्षित रहने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। याद करिए, पहले बीमारियां होती थी, अनेक प्रकार की बीमारियां होती थी, और खास तौर पर इस सीजन में कहीं मलेरिया है, कहीं डेंगू है, कहीं काला जार है, कहीं चिकनगुनिया है, कहीं पे इंसेफ्लाइटिस है, कहीं पर हैजा है, डायरिया है, तमाम अन्य प्रकार की बीमारियां होती थी, कोई जल जनित थी, कोई विषाणु जनित और मच्छर जनित थी। लेकिन जब से स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को उसके जन आंदोलन के साथ जोड़ा, तब से आपने देखा होगा देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम स्वरूप मलेरिया हो या फाइलेरिया, डेंगू हो या चिकनगुनिया या कालाजार या इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां आज समाप्ति की ओर जा रही हैं। लोग स्वस्थ रह रहे हैं और उस सब के बावजूद अन्य असाध्य बीमारियों के उपचार के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को आयुष्मान भारत की सौगात दी है। आयुष्मान भारत में हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, ये 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर व्यक्ति के लिए एक जीवन दान है। इसके बावजूद अगर किसी व्यक्ति को कोई घर में बीमार हो गया और 5 लाख रुपया खर्च हो गया, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से और प्रधानमंत्री राहत कोष से पर्याप्त पैसा उस परिवार को मिल जाता है। आज कोई व्यक्ति अपने को यह नहीं कह सकता कि उसको कोई पूछने वाला नहीं, हर स्तर पर सहयोग करने को। यह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार का लाभ कैसे मिला है, इसका लाभ तो हम लोगों ने सीतापुर में आकर के देखा। सीतापुर में अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,34,800 से अधिक परिवारों को एक एक मकान मिला है। आप अनुमान कर लीजिए, अगर आजादी के बाद जिन लोगों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, ये लोग गरीबों के प्रति चिंतित होते, तीन गरीबों को पहले आजादी के पहले दशक में ही मकान मिल गया होता, मकान नहीं दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन में 7,16,500 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय भी इस जनपद में मिला। हर घर नल योजना के माध्यम से 2,17,000 से अधिक परिवारों को अब तक जल का कनेक्शन दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 5,78,900 से अधिक लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लगभग 55,000 बेटियों को 15,000 रुपये का साला 15,000 रुपये का एक पैकेज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। 2,05,000 से अधिक लाभार्थियों को सौभाग्य योजना में फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए और 6,64,000 से अधिक किसानों को 1,442 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अब तक यहां दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 32,65,000 से अधिक परिवारों को पिछले 3.5 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में 9,000 स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित हुए हैं।
तो पीएम कौशल विकास योजना में भी लगभग 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। 46,98,000 जनधन खाते खोले गए, तो भाइयों बहनों 6,80,000 के आसपास मृदा स्वास्थ्य केंद्र भी कार्ड भी इस जनपद में वितरित किए गए हैं। आप अनुमान कर सकते हैं गरीब कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के, उसकी जाति देख करके नहीं, चेहरा देख करके नहीं, बल्कि हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, बिना भेदभाव के हो रहा है। और बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का परिणाम क्या है, आज विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं यहां पर आ रही हैं। हमने यहां पर व्यवस्था करवा दी है, अब लखनऊ से नेमिस की कनेक्टिविटी, सामान्य बस से नहीं, टैक्सी से नहीं, इलेक्ट्रिक बस से होगी, इलेक्ट्रिक बस से, इलेक्ट्रिक बस की सेवा सीधे लखनऊ और नेमिस को जोड़ेगी। और कुछ ही दिनों के बाद नेमिस सारण को हम हेलीकॉप्टर की सेवा के साथ भी जोड़ने वाले हैं। और जिस दिन डबल इंजन की सरकार के द्वारा स्वीकृत यहां की कार्य योजना जमीनी धरातल पर उतरेगी, भाइयों बहनों एक यहां पे जो कार्य हो रहा है, यहां के व्यापारियों को, यहां के पुजारियों को, यहां पर कार्य करने वाले पंडे होंगे, माली होंगे, अन्य स्वच्छता कर्मी होंगे, इन सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार हर एक के पुनर्वास की व्यवस्था करेगी, किसी को उजाड़ने के लिए कोई भी किसी को छूट नहीं दी जाएगी, उनके व्यवस्थित पुनर्वास। और जिस दिन यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होगी, आप देखना पहले की तुलना में सबकी आमदनी कई गुना बढ़ चुकी होगी, कई गुना बढ़ चुकी होगी, और उन लोगों का जीवन भी एक उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा। हमें तीर्थ की स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। इस तीर्थ की विशेषता यह मां गोमती के तट पर है, और आज से नहीं, गोमती नदी के बारे में कहा जाता है यह मां गंगा से भी प्राचीन नदी है। और इतनी प्राचीन नदी होने के बावजूद आज याद करिए 6 वर्ष पहले तक गोमती के उद्गम में नदी पूरी तरह सूख गई थी। बाद में जब वहां कार्य प्रारंभ हुआ, श्रमदान किया लोगों ने, आज नदी अपने उद्गम से ही प्रारंभ होकर के आगे बढ़ चुकी है। और हमारा दायित्व होना चाहिए, अगर हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं, तो हमारा दायित्व होता है अपने तीर्थों को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, स्कूल कॉलेजेज को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, हॉस्पिटल को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, तालाब और घाटों को भी सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दें, पार्क और खाली प्लॉट में भी गंदगी ना होने दें, कहीं भी गंदगी ना हो, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में घर घर हर घर में शौचालय के निर्माण की कार्रवाई, शुद्ध पेयजल के लिए हर घर नल की योजना प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही हमें प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था की तरफ जाना ही होगा। और मेरी अपील होगी, प्लास्टिक का थर्माकोल का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके जो वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है, उस वैकल्पिक व्यवस्था को ही हम उपयोग करेंगे, तो भाइयों बहनों प्रदूषण को भी और गंदगी को भी काफी हद तक हम समाप्त करने में समय मदद मिल जाएगी। और इसीलिए तीर्थ में लोग इसलिए आते हैं को कुछ देर स्वच्छ और सुंदर माहौल के साथ, आध्यात्मिक माहौल के साथ, तनाव मुक्त वातावरण के साथ हम जी सकें, आगे बढ़ सकें, एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। और उसका माध्यम बनना चाहिए स्वच्छता। इस स्वच्छांजलि का कार्यक्रम पूज्य बापू की 154वीं पावन जयंती की पूर्व संध्या पर हम सबका दायित्व बनता है कि हम लोग हर व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा स्वच्छता के लिए समर्पित करें।
स्वच्छता के लिए अपने घर, अपने गांव, घर के परिसर, अपने मठ मंदिर, कोई भी धर्मस्थल, कोई भी विद्यालय, कोई भी चिकित्सालय, कोई भी सरकारी कार्यालय, कोई भी घाट, कोई भी पार्क, कोई खाली प्लॉट, कोई सड़क, कोई चौराहा, जहां कहीं भी गंदगी है उसको हटाने के लिए, उसके खिलाफ एक अभियान चलाने के लिए। और इस अवसर पर स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित करना, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना। और हमारी सरकार ने तय किया है जितने भी स्वच्छताग्राही हैं, खासतौर पर सफाई कर्मचारी है, इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार देगी। इनको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। हमने कमेटी गठित की हुई है और बहुत शीघ्र उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, तो इनका जीवन सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने बढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वासन देने के लिए आया हूं, नियमित सारणी में अच्छे अच्छे जो तीर्थ है, आश्रम है, इसके पुनरुद्धार के लिए तो सरकार कदम बढ़ाएगी। पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जितने भी मठ मंदिर तीर्थ स्थल है, इनके लिए तो सरकार सहयोग करेगी ही, साथ साथ यहां पे जन सुविधाओं के विकास के लिए चौड़ी सड़कें हो, गेस्ट हाउसेज बने, अच्छे रेस्टोरेंट आए, अच्छी धर्मशालाएं बने, अच्छे होटल्स आए, बेहतर कनेक्टिविटी हो और एक स्वच्छ वातावरण लोगों को प्राप्त हो। हम सूची महाराज के द्वारा जो 88,000 ऋषियों को, 18 पुराणों के बारे में जो यहां पे प्रवचन दिया गया था, उनकी प्रतिकृति भी यहां पर स्थापित कर सके, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। और इसीलिए नेमिस तीर्थ के इस महत्व को ध्यान में रख करके हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के पवित्र धर्मस्थलों, तीर्थों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों और हर उस संपत्ति को जो सार्वजनिक हो, उनके संरक्षण का दायित्व अगर अपने ऊपर लेते हैं कि हम भी इसमें कुछ योगदान दे दें, तो भाइयों बहनों, अपने पूर्वजों के प्रति यही हमारी कृतज्ञता का भाव है, यही कृतज्ञता है। हम सनातन धर्म की जब बात करते हैं, इसी कृतज्ञता के साथ जोड़ते हैं, कृते च प्रति कर्तव्यम् एष धर्म सनातन। सनातन धर्म वही है, अगर किसी ने आपके प्रति कोई योगदान किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके जो सपने थे, उनके जो संकल्प थे, उन संकल्पों के साथ अपने आप को जोड़ देना, यही पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता की भावना। और उसी कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहां पर इस पौराणिक तीर्थ पर एकत्र हुए हैं। मैं इस तीर्थ को एक बार फिर से नमन करता हूं। 550 की करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को, इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए धन्यवाद।